जोहार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। अथिया पत्थर धाम, आस्था और रहस्य का बेजोड़ संगम। हथिया पत्थर तक पहुंचने के लिए आपको बोकारो रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर का सफर बाय रोड तय करना पड़ेगा। यह जगह झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के अंतर्गत पिछड़ी गांव से सटा दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। इस जगह को बोकारो से फुसरो जाने के क्रम में दामोदर नदी के ऊपर बने ब्रिज के ऊपर से भी देखा जा सकता है। हथिया पत्थर अर्थात हाथी की आकृति का पत्थर, यह रहस्यनुमा पत्थर दामोदर नदी के बीच में अवस्थित है। इस पत्थर के हाथी के संदर्भ में पुरानी मान्यता के अनुसार एक बेहद ही प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है। प्राचीन काल में एक राजा को अपने पुत्र की बारात लेकर इसी नदी को पार करके जाना था, लेकिन नदी अपने उफान पर थी। ऐसे में नदी की तेज धारा को पार करना असंभव था। तब राजा ने नदी के पास जाकर नदी से उस पार जाने का रास्ता मांगा और इसके लिए काफी प्रार्थना और विनती की। उन्होंने ये भी वचन दिया कि यदि वह बाराती सहित सकुशल लौट आएंगे तो वे इस नदी में पूजा पाठ करके भोग चढ़ाएंगे, इसके साथ ही बकरे की बलि भी दी जाएगी। इसके बाद चमत्कारिक ढंग से नदी का जलस्तर कम हो गया और नदी के उस पार जाने का रास्ता बन गया। राजा ने सभी बारातियों सहित नदी पार कर लिया, लेकिन पुत्र के विवाह हो जाने के बाद वापस लौटने के क्रम में राजा अपने वचन से मुकर गया और कहा कि जब वे नदी पार कर चुके हैं तो कैसी पूजा और कैसा बलि। उन्होंने नदी को अपशब्द भी कहा। राजा के इतना कहते ही राजा सहित सभी बाराती, यहां तक कि दुल्हा दुल्हन, हाथी घोड़े, ढोल नगाड़े सभी पत्थर में तब्दील हो गए। आज भी गौर से देखने पर सभी आकृतियों में उनकी छवि स्पष्ट रूप से नजर आती है। ये बड़ा पत्थर राजा के पुत्र के बाराती में शामिल उसी हाथी की बताई जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग हथिया बाबा या हथिया गोसाई के नाम से पुकारते हैं। राजा के बाराती नदी से क्रॉस कर रहे थे, उस समय काड़ा देंगे, भेड़ा देंगे, पूरा कबूल कर करके यहाँ नदी में क्रॉस किया तो नदी का पानी कुछ सूख गया। इसी में जो है से राजा जब सब बराती पार हो गया तो कुछ दूर के बाद भगवान को झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं देंगे। यहाँ से लेकर के ऊपर तक जब मंदिर बना वहाँ तक जहाँ के तहाँ जो है सब आदमी सिद्ध हो गया। पालकी अभी भी वहाँ मौजूद है जिसमें चूना कथा लगा करके बजाया जाए तो उसको लोग सुनते हैं आवाज। वर्तमान में इस जगह को हथिया पत्थर धाम के नाम से जाना जाता है। आस्था का प्रतीक हथिया पत्थर मेला का आयोजन यहां प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। उस दिन हथिया बाबा को शाही अंदाज में सजाया जाता है। दूर दराज से आए श्रद्धालु दामोदर नदी में मकर स्नान कर स्थानीय देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ हथिया बाबा की भी पूजा करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। यहां आने वाले लोगों का मानना है कि मकर स्नान के बाद यहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। इस बात को जानने और सुनने वाले लोग दूर दराज से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यह परंपरा सालों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार।